तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन है जो आपका 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आपके 10th तक चलता ही चलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसे सीखकर इसे ईजी कर देते हैं और आपके तो ये 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, तो ईजिली आप इसे कर भी लोगे और मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आज मैं इजी मेथड से आपको इसे समझाऊंगी कि कैसे करते हैं इसे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसमें बताऊंगी बेसिक चीज़ें कि इसमें क्या क्या होती हैं। जैसे कि बेटा इसे ए बोला जाता है, इसके आगे नंबर को बी, ये सी होता है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा ए इंटू सी, मतलब 2 आपका ए है, सी आपका -10 है। तो कितना हो गया बेटा ये -20। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा डी, और बी हमारा कितना है -1। मतलब फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 नंबर चूज़ करेंगे जिसे मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, प्लस या माइनस करके -1 आना चाहिए। तो हमने पहले देखा जैसे 4 5 20 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 20 भी आ रहा है और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 भी आएगा, पर हमें माइनस में 1 चाहिए, इसलिए हम ग्रेटर नंबर क्या लेंगे, -5 लेंगे। ठीक है, ये हमारे मिल गए फैक्टर पेयर्स। ठीक है, जो हम ठीक की जगह रखेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हमें नंबर्स मिल चुके हैं 4 एंड 5, अब हम इसे पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4t -5t -10। अब हम करेंगे कॉमन नंबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 एंड t, जो कि हम बाहर की तरफ लेंगे, अंदर की तरफ लेंगे हम t। देखिए बच्चा बेटा 2, ठीक है, प्लस में लिखेंगे 2, ठीक है, इन दोनों में माइनस है, माइनस हमने बाहर लिया, और कॉमन क्या है 5। तो इधर क्या बचेगा t, इधर बचेगा +2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर ही नंबर है इन्हें भी हम ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा t +2 फैक्टर। तो इस तरीके से फैक्टर आप करके 3 या 2 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे भी बच्चों को इसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।